Assalamualaikum and hello everyone, welcome back to another video and my YouTube channel. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी डे रूटीन. आज का दिन बहुत अच्छा था जिसके कुछ रीजंस थे वो आपको आगे साथ साथ चल के पता चलेंगे. वीडियो एंड तक देखनी है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी. तो डे स्टार्ट होता है ब्रेकफास्ट से. सबसे पहले ब्रेकफास्ट बना लेंगे. आज का नाश्ता बहुत ही सिंपल झटपट सा था. मिल्क टोस्ट रेडी कर लेते हैं. मिल्क टोस्ट रेडी करने के लिए मैंने ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा हाफ कप मिल्क ऐड किया और 2 टेबलस्पून यहाँ पे बटर ऐड करके उसको मैं फ्राई होने तक छोड़ दूँगी. 1 से 2 मिनट में ये मेरे टोस्ट बन के रेडी हो जाएंगे. साथ ही मैंने एग बॉइल्स कर लिए थे. ये टोस्ट बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होते हैं. ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट. आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा. अगर आपको मीठा पसंद है तो लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हनी भी ऐड कर दूंगी तो इससे टेस्ट और भी डबल हो जाता है. ब्रेकफास्ट मेरा रेडी हो गया था. आज के दिन अच्छा होने का रीज़न एक ये भी था कि सबसे पहला रीज़न ये था कि हनी इजीली उठ गई और उसने ब्रेकफास्ट में हल्का फुल्का कुछ खा लिया. और मैंने भी नाश्ता हनी के जाने से पहले ही, मतलब हनी को डे केयर छोड़ने से पहले ही बना लिया था और उसको भी साथ खिलाया और बहुत ईजीली. और मैं समझती हूँ कि एक मदर के लिए सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन ये होती है कि जब उसका बच्चा अच्छे से खाना खा ले. इसके बाद हनी को छोड़ के आगे डे केयर, हनी को डे केयर छोड़ के आने के बाद नॉर्मल रूटीन ऐसी होती है कि उसको छोड़ के आने के बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ और फिर नाश्ता करते हैं मैं और मेरे हस्बैंड. और आज ये था कि मैंने पहले ही नाश्ता कर लिया था तो अब जो बाकी की रूटीन ये थी कि घर की सफाई सुथराई. आज चूल्हा थोड़ा ज़्यादा गंदा हुआ था तो बर्तन वॉश करने से पहले मैंने उसके ऊपर लिक्विड डाल दिया था ताकि जो उसके ऊपर से दाग हैं वो थोड़े से नरम हो जाए और उनको साफ़ करना ईजी हो जाए. वैसे मोस्टली तो मेरे साथ ऐसा होता है जिस दिन मैंने अपने स्टोव को अच्छे तरीके से क्लीन किया होता है ना उसी दिन चाय गिरनी होती है. चाय गिरनी उस दिन मस्ट होती है. पास भी खड़े होंगे और चाय एकदम से बॉयल हो जाएगी और चाय चूल्हे के ऊपर गिर जाएगी. आपके साथ कैसा होता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा. बर्तन वॉश हो गए थे, उसके बाद सिंक की क्लीनिंग अच्छे तरीके से कर ली. और इसी के साथ सबसे अहम और ख़ास बात, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है. सिंक की क्लीनिंग हो गई थी, इसके बाद स्टोव की बारी. स्टोव को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया. आधे घंटे के अंदर मेरी किचन की अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो गई थी. किचन की क्लीनिंग हो गई थी इसका मतलब है कि आपका आधा काम डन हो गया. इसके बाद घर की सफाई आ जाती है. घर में वैक्यूम कर लिया. वैक्यूम मैं डेली बेस पर नहीं करती, 2 दिन या 1 दिन छोड़कर, और अगर बहुत ज़रूरत पड़े तो ब्रश से क्लीनिंग कर लेती हूँ. लास्ट रूटीन व्लॉग में मैंने आपके साथ एक बात शेयर की थी कि सफाई और क्लीनिंग शीनिंग आपके साथ शेयर करने का मेन मकसद ये है कि इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है. क्योंकि जब मैं भी कोई ऐसी वीडियोस देखती हूँ जिनमें क्लीनिंग शीनिंग और इस तरह के, तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है. तो सोचा क्यों ना आपके साथ मैं अपनी क्लीनिंग का तरीका भी शेयर कर दूँ कि आपको मेरे इस क्लीनिंग से कितनी मोटिवेशन मिलेगी. घर की सफाई हो गई, वैक्यूम हो गया, मोप लग गया. इसके बाद ऊपर ऊपर की जो सफाई थी वो हो गई अच्छे तरीके से. डस्टिंग, क्लीनिंग, शीनिंग ये हो गई. पंद्रह से 20 मिनट के अंदर मेरी पूरे घर की सफाई हुई थी और आधे घंटे के अंदर मेरा किचन साफ हुआ था. इससे आप खुद हिसाब लगा लें कि किचन कितना टाइम लेता है. क्लीनिंग शीनिंग के बाद थोड़ी देर रेस्ट की और फिर उसके बाद मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना ली थी. ग्रीन टी में मैं 2 कप पानी ऐड कर लूँगी. साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी कार्डेमम यानी कि इलायची के 2 से 3 दाने, वो ऐड कर दूँगी. और थोड़ी सी सौंफ चुटकी बराबर मैंने इसमें सौंफ यानी कि 1 टीस्पून आप कर लें वो ऐड कर दूँगी. 2 दालचीनी यानी कि सिनेमन स्टिक के टुकड़े वो ऐड कर दूँगी. थोड़ी सी अजवाइन ऐड की है और कावा ऐड किया है. ये कावा बहुत बेस्ट है सर्दियों में. आप अपने बच्चों को भी बना के दें, बहुत ही अच्छा है. इसमें अगर आप चाहें तो बच्चों के लिए इसमें चीनी, मैं हानि को दूँ तो उसमें चीनी ऐड कर लेती हूँ और ख़ुद के लिए चीनी शीनी नहीं डालती. अगर बहुत ज़रूरत पड़े, अगर मीठा पसंद हो तो आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं और ये बहुत बेस्ट है सर्दियों में बच्चों के लिए. स्नैक्स के तौर पर थोड़े से सनफ्लावर सीड्स ले लिए थे कावे के साथ, वो एंजॉय किए हैं, ड्रामा देखा है और थोड़ी देर रेस्ट की है.
आज के दिन की दूसरी अच्छी बात ये थी कि आज सनी डे था, दिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी सी मज़े मज़े की धूप निकली हुई थी क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से बारिश हो रही थी। सनी डे मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि कुछ दिनों में अभी ऑटम भी एंड है और विंटर का तो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही गया, क्योंकि घर से निकलने से पहले आपको फुली जैकेट शैकेट्स और कैप्स वगैरह अपनी मतलब विंटर वाली आप क्लॉथिंग करके घर से बाहर निकले, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर या अभी भी 1+1 है, 0 टेम्परेचर हो जाता है नाइट में। ये देखिए आज कितना मज़े का सनी डे था। ड्रामा शामा देखने के बाद मैं थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, ग्रॉसरी करने के लिए चली गई और मज़े का सनी डे था आज। घर से निकलते हुए मैंने एस्टिमेट यही लगाया हुआ था कि 20 मिनट्स लगेंगे मुझे ये सामान शांत खरीदने में और हनी का उस टाइम तक टाइम हो जाएगा, तो ऐसा ही हुआ है कि 20 मिनट्स लगे थे सामान शांत खरीदा है और ग्रॉसरी की है, फिर उसके बाद हनी को, अब उसके बाद चली गई थी हनी के डे केयर, हनी को पिक कर लेंगे। आज के दिन की तीसरी अच्छी बात ये थी कि हानी को जब मैं लेने गई थी तो वो बता रहे थे कि हानी आज 1 आवर सोई है, अच्छे से सोई है, अच्छा इसने खाना खाया है और आज का दिन इसका बड़ा फ्रेश गुजरा है। तो ये चीज़ सुन के बहुत खुशी हो रही थी कि हानी को अभी जाते हुए 15 से 20 दिन नहीं हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से सेट हो गई है। ऐशी क्या? ओके व्हाट? Oh, okay. Mom, look. What look? Go away. Go away. What? Okay. You go everywhere. Aha. घर आने के बाद जो ग्रॉसरी की थी वो सामान शांत समेटा, हनी को खाना शाना खिलाया, इसको फ्रेश किया और इसके बाद शाम में मैंने सोचा क्यों ना केक बेक कर लिया जाए। तो केक बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम बटर ले लिया था, बटर मेरे पास फ्रिज में पड़ा हुआ था तो मैंने इसको ओवन में रख के मेल्ट कर लिया, क्योंकि केक के लिए बटर मुझे रूम टेम्परेचर चाहिए था, रूम टेम्परेचर था नहीं, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा 20 से 30 सेकंड लगाकर और उसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया और रूम टेम्परेचर पर ले आई थी। फिर इसको हमने अच्छे तरीके से बीटर की मदद से बीट कर लिया है। फिर इसमें अंदर मैंने 200 ग्राम शुगर ऐड किया यानी कि चीनी लिटल बाय लिटल, उसको भी अच्छे तरीके से, जब इसका कलर थोड़ा सा वाइट होना शुरू हो जाएगा फिर इसके अंदर हम मज़ीद अंडे ऐड कर देंगे। 4 अंडे इसमें मैंने ऐड किए थे, 4 अंडे दो दो करके मैंने पोर्शंस में ऐड किए। अंडे ऐड करने के बाद मज़ीद 3 से 4 सेकंड के लिए मैंने इसको बीटर की मदद से बीट कर लिया है। यहाँ पर बीटर का काम ख़त्म हो गया है। फिर इसमें मैंने ऐड किया था वनीला एसेंस ताकि जो अंडों की है वो स्मेल ना आए, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर वनीला एसेंस ऐड किया है। बेकिंग ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है 200 ग्राम फ्लोर में, यानी कि 200 ग्राम मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया था, उसके अंदर 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड किया है। मिल्क पाउडर से बहुत रिच फ्लेवर आता है और उसको अच्छे तरीके से हम छान लेंगे। छान के हमेशा केक के अंदर आप मैदा ऐड करें तो छान के ऐड करें, क्योंकि उससे बड़ा लाइट हो जाता है और अच्छे से केक हमारा बड़ा स्मूथ और बड़ा स्पंजी स्पंजी बन के रेडी होता है। केक के लिए बेकिंग के लिए जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करें वो रूम टेम्परेचर होनी चाहिए, लाइक अंडे हो गए, दूध हो गए या मक्खन वगैरह, अगर रूम टेम्परेचर नहीं है तो आप इनको थोड़ी देर पहले निकाल के रख दें ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो मेरी बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से बन गई थी और अच्छे तरीके से पैन को ग्रीस कर लिया। ग्रीस करने के बाद जो बैटर मैंने रेडी किया था वो ऐड कर दूंगी और 180 प्री हीटेड ओवन में मैं इसे 45 मिनट्स के लिए बेक कर लूंगी। बाकी मज़ीद आप अपने ओवन के हिसाब से इसको बेक कर सकते हैं।
ऑयल से पैन को ग्रीस कर दिया, पार्चमेंट पेपर लगा लिया जो बैटर रेडी किया था हमने, केक अवॉइड कर दिया, ऊपर थोड़े से मैंने किशमिश ऐड कर दी और थोड़े से मैंने यहाँ पर बादाम एलमंड्स जो थे वो ऐड कर दिए। वैसे तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करें तो ये ड्राई फ्रूट केक बन जाएगा, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल प्लेन केक पसंद है, लेकिन फिर भी मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा ये किशमिश और बादाम ऐड कर दिए थे। केक बेक होने के लिए रख दिया है। अब जो बाकी की जो मज़ीद हमारे बर्तन गंदे हो चुके थे उनको क्लीन शीन कर लेंगे। तो कोशिश ये हुई होती है कि जब काम गंदा हो साथ तो साथ क्लीनिंग कर लो ताकि काम इतना ज़्यादा इकट्ठा ना हो। 45 मिनट्स में मेरा केक बहुत अच्छे से बेक होकर रेडी हो गया था। इसको मज़ीद 20 मिनट्स के लिए मैं छोड़ दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर नाइफ की मदद से साइड इसकी अलग करके इसको निकाल लूँगी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल ये बन के रेडी हुआ था। एग्जैक्ट इसकी क्वांटिटीज़ थी। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मेंशन कर दिया है, मैंने इसकी रेसिपी भी अपलोड की हुई है, आप ज़रूर जाके वॉच करें और उसको बना के ट्राई करें, बहुत मज़े का बन के रेडी होता है। केक शेक और चाय शाय इन्जॉय करने के बाद सोचा थोड़ी देर वॉक के लिए बाहर निकल जाओ। हानी को लेकर मैं बाहर आ गई थी और इतना प्यारा मौसम था, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। घर आने के बाद शाम के 5 बज चुके थे और शाम के खाने की तैयारी शुरू हो गई थी। शाम में मैंने बनाने थे फ्राइड राइस, जिसके लिए मैंने वेजिटेबल्स निकाल ली थी, इनको अच्छे से वॉश कर लिया, साथ ही मैंने पानी बॉयल होने के लिए राइस का पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। सब्जियां कट करने के बाद चावलों के पानी को भी बॉयल आ गया था, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था 2-3 टेबल स्पून सॉल्ट यानी कि नमक, साथ ही 2-3 चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल के ऐड कर दिए थे, इससे चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। पानी को दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए थे, उनको अच्छे तरीके से फेंट लिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा एग फूड कलर येलो एग फूड कलर जो है वो ऐड कर दिया था और इसको अच्छे तरीके से पैन के एक पैन में मैंने यहाँ पर अगेन 3-4 टेबल स्पून एक सेपरेट ऑयल ऐड किया और जो अंडे हमने फेंटे थे उनको हम फ्राई कर लेंगे। थ्री टू फोर सेकेंड में हमारे अंडे अच्छे तरीके से फ्राई हो गए थे। फ्राई होने के बाद इन अंडों को मैं इस पैन में से निकाल लूँगी और इसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे। फ्राई किए हुए अंडे पैन में से निकालने के बाद इसी ऑयल के अंदर मैंने ऐड कर दिया था 400 ग्राम बोनलेस चिकन। अगर आपको ऑयल कम लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। इसी के अंदर मैंने इस चिकन को इसका कलर चेंज होने तक पका लिया था। 3-4 मिनट में चिकन अच्छे तरीके से पकाने के बाद उसमें 2-3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया और साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया ताकि जो हमारा चिकन है अच्छे तरीके से पक जाए, इसमें कच्चापन ना रहे। जब तक हमारा चिकन रेडी हो रहा था मैं कबाबों का मसाला ऐड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर यहाँ पर अनियन वो ऐड कर दिए हैं, फ्रोजन मेरे पास यहाँ पर धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्चें थी वो ऐड कर दी हैं, जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, यहाँ पर 200 ग्राम मेरे पास कीमा था वो ऐड कर दिया और किसी भी ब्रांड का आप यहाँ पे कबाब मसाला ले लें वो मैंने 3-4 टेबल स्पून वो ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसमें बेसन ऐड किया है और मुझे थोड़ी सी स्पाइस ज़्यादा चाहिए था इसलिए मैंने इसमें रेड पेपरिका पाउडर भी ऐड कर दिया है।
आप चाहें तो हाथों के साथ इसे मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने मिक्सी में इसे 2 से 3 मिनट लगाए थे और अच्छे तरीके से वो मिक्स हो गया था। अब मैंने इसमें चिकन हमारा रेडी हो गया था, इसमें मैंने ऐड कर दिए थे 1 प्याली के बराबर कैरेट यानी कि गाजर और 1 कप के बराबर कैबेज यानी कि बंद गोभी। और इसी के साथ मैंने चावल भी, मेरे सोख हुए आधा घंटा हो गया था, चावलों को बॉयल होने के लिए मैं पानी में चावल ऐड कर दूँगी। और वहाँ पर कबाब भी हमारे रेडी हो चुके थे। इसी के साथ मेरे पास फ्रोज़न बॉयल यहाँ पर मटर थे वो ऐड कर दिए। साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया था 1 कप के बराबर यहाँ पर कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। इन तमाम सब्ज़ियों को हम मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 to 4 tablespoons चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका। इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। इन तमाम स्पाइसेस को ऐड करने के बाद मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम दम लगा देंगे ताकि जो हमारी सब्ज़ियाँ हैं वो हल्की फुल्की सी पक जाएँ। जब सब्ज़ियाँ हमारी अच्छे से पक जाएंगी फिर इसके अंदर जो हमने राइस को बॉयल किया था वो ऐड कर दूँगी। राइस का एक्स्ट्रा वाटर मैंने स्ट्रेन करके निकाल लिया था, अब जो राइस है वो इसमें के अंदर ऐड कर दूँगी। बाकी स्पाइसेस आप इसके अंदर ज़्यादा कम कर सकते हैं, इसमें ज़्यादातर नमक और काली मिर्ची ऐसे स्पाइसेस में जाते हैं। बाकी चिली सॉस, सोया सॉस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। स्टार्ट में जो हमने एग फ्राई किया था वो ऐड कर दूंगी, मुझे थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं चिली सॉस और ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, मेक श्योर कि आपका चावल टूटे ना, नहीं तो वो दिखने में बहुत बुरे लगेंगे, वो एकदम से जुड़े जुड़े लगेंगे। इनको दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए लो हीट के ऊपर। और कबाब जो थे, कबाब हमारे मिक्स हो गए थे, मैंने थोड़ी देर इनको फ्रीज़र में रखा था ताकि वो सेट हो जाएँ और इनको हम शेप दे लेंगे। कबाबों के अब शेप कोई भी दे सकते हैं, चाहे तो इनको लंबे चाहे तो इनको टिक्की की तरह जिस तरह मैंने इनको शेप दी इस तरह बना लें। और इनको मैं फ्राई कर लूँगी लो टू मीडियम हीट के ऊपर। और इसी के साथ अगर आप चाहें तो इनको हाफ डन करके यानी कि आप इनको फ्राई करके इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब चाहें इनको कबाब को निकालें, इनको डीप रोस्ट करें और इन्जॉय करें। कबाब हमारे यहाँ पे फ्राई हो गए थे, अब इसी ऑयल के अंदर मैंने यहाँ पे 4 to 5 tablespoons टोमेटो पेस्ट है वो ऐड कर दिया। इसको 2 से 3 सेकंड के लिए पका लूँगी। इसके अंदर फिर मैंने 2 teaspoons मैंने यहाँ पर ऐड किया है गरम मसाला, उसको मज़ीद 1 से 2 सेकंड के बाद पकाने के बाद जो हमने कबाब फ्राई किए थे वो ऐड कर दूँगी। इससे बड़ा जूसी जूसी सा टेक्सचर आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्प्रिंकल किए हुए अनियन थे वो ऐड कर दूँगी, ग्रीन चिली थी वो ऐड कर दी, टोमेटो कटा हुआ वो ऐड कर दूँगी, इससे लुक बहुत अच्छी आती है। लास्ट में मैंने यहाँ पर फोलियो रखी हुई, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चारकोल यानी कि कोयला रख दिया था ताकि इसका थोड़ा सा स्मोकी स्मोकी सा टेस्ट और फ्लेवर सा आ जाए। तो 2 से 3 सेकंड के लिए हम इनको दम पे रख देंगे। राइस हमारे रेडी हो गए थे, इनको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल राइस बन के रेडी हुए थे। चार से पाँच सेकंड से ज़्यादा कोयले की स्मोक ना दें क्योंकि ज़्यादा स्मोकी भी खाना अच्छा नहीं लगता। फिर कबाब भी हमारे रेडी हो गए थे, इनको भी डिश आउट कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो ये रही मेरे खानों की फाइनल लुक। डिनर बन के रेडी हो गया था। इसी के साथ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।